फिर से स्वागत है आप लोग का मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो i3 का 1315U प्रोसेसर है वो, और i3 का 1220P ये प्रोसेसर 12th जनरेशन का, मतलब एक 13 जनरेशन का i3 वाला प्रोसेसर और एक 12th जनरेशन का i3 वाले प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, किस लैपटॉप में ये मिल रहा है और कौन सा ज़्यादा सस्ता है, ये पूरी चीज़ आपको एक एक बारीकी से इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में आऊँगा, एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो पूरा देखना, कुछ भी मिस मत करना। अगर आप लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हो तो बहुत जरूरी है वीडियो आपके लिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है, एक एक लाइन को मैं अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, जो एक एक डिफरेंस जो दोनों प्रोसेसर के बीच में अच्छे से समझाने वाला हूँ। i3 का 13th जनरेशन का 1315U वाला प्रोसेसर और i3 का 12th जनरेशन का 1220P वाला प्रोसेसर, इन दोनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो मैं बीच में लाइन बना के अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पहले जनरेशन की बात करते हैं, तो देखो जनरेशन तो नाम से पता चल रहा है कि ये 13th जनरेशन है एंड ये वाला 12th जनरेशन है, तो नाम से ही 13 से पता चल गया, 13 12 से पता चल गया 12th जनरेशन। हाँ, आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो इसका नाम है रैप्टर लेक यू एंड इस वाले का नाम है 12 वाले का नाम है एल्डर लेक यू। ठीक है, दोनों सेगमेंट की बात करें तो देखो दोनों मोबाइल सेगमेंट है, दोनों लैपटॉप्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं सीपीयू में जाऊंगा, थोड़ी गहराई में जाऊंगा, तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, सीपीयू कोर्स और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो सीपीयू कोर्स की बात करें, देखो कोर जो मिलता है वो आपको 13 जनरेशन वाले में जो कि 1315U वाला है उसमें आपको मिलेगा सिर्फ 6 कोर्स, जबकि जो आपका 12th जनरेशन का उसमें आपको 10 कोर मिलेंगे। ठीक है, 1220P वाले में आपको 10 कोर्स देखने को मिलेंगे। एंड इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, देखो जो इसमें 6 कोर्स देखने को आपको मिल रहे हैं 13 जनरेशन वाले में, इसमें से 2 कोर आपके परफॉर्मेंस कोर होंगे एंड बाकी के 4 कोर जो होंगे वो होंगे आपके एफिशिएंट कोर। और बल्कि जो दूसरा वाला है 12th जनरेशन वाला है, इसमें आपके 2 कोर्स होंगे परफॉर्मेंस कोर और बाकी के 8 कोर्स जो होंगे वो होंगे आपके एफिशिएंट कोर्स। परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर क्या होता है उसको समझाता हूँ। देखो परफॉर्मेंस कोर जो होता है वो होता है आपके लिए जो आप हैवी टास्क करते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, या फिर कोई ग्राफिक्स वाला काम आप कर रहे हो जिसमें बहुत हैवी टास्क होता है, जिसमें ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन होता है, उस तरह के टास्क के लिए आपका परफॉर्मेंस कोर की नीड होती है। लेकिन वो काम जो कि आपका लाइटली हो जाता है, जिसमें ज़्यादा आपको नीड नहीं पड़ती मेमोरी की या फिर पावर की, उस काम के लिए आपका इफिशियंट कोर यूज़ होता है। इफिशियंट कोर उस काम के लिए काम आता है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकते हो, लाइट वर्क आपका, जैसे कि कोई भी आप वीडियो देख रहे हो या फिर कोई वेबसाइट के बारे में आप कोई वेबसाइट पढ़ रहे हो, वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, छोटा मोटा काम है, यूट्यूब देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ आपके इफिशियंट को ही हैंडल करता है। तो समझ गए होगे मेरे ख्याल से, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एक चीज़ और बताता हूँ, देखो जो इफिशियंट कोर होता है और जो आपका परफॉर्मेंस कोर होता है, इन दोनों की स्पीड भी अलग होती है, दोनों की क्लॉक स्पीड अलग होती है, वो भी अभी समझाऊंगा। ठीक है, क्लॉक स्पीड दोनों की अलग अलग होती है, अलग अलग जो है वो इंटेल देती है। अब थ्रेड्स की बात करें तो देखो इसमें जो 13 जनरेशन वाला है इसमें आपको 8 थ्रेड देखने को मिलता है और आपका 12th जनरेशन वाले में 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, मतलब 4 थ्रेड्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपर थ्रेडिंग आप दोनों में कर सकते हो। अब स्पीड की बात करते हैं तो देखो ध्यान से समझना, स्पीड दोनों कोर्स की अलग होने वाली है, परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर दोनों की स्पीड्स आपको अलग देखने को मिलेंगी, तो उसको ध्यान से सुनना। जो 13 जनरेशन वाला है उसकी जो परफॉर्मेंस कोर की स्पीड होने वाली है वो बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी आपको 1.2 GHz की मिलेगी एंड आपको टर्बो बूस्ट जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 4.5 GHz तक की फ्रीक्वेंसी इसमें जाएगी। वहीं पे अगर इसको 12th जनरेशन वाले से कंपेयर करोगे तो इसमें जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 1.5 GHz की एंड आपको टर्बो बूस्ट जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 4.4 GHz की। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कोर में ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस मैं समझाता हूँ, देखो इसमें जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 1.2 GHz तक की है। बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जब आपका कंप्यूटर यूज़ में नहीं होता या फिर आप ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं कर रहे हो, तो मिनिमम 1.2 GHz तक प्रोसेसर जाएगा और आपकी पावर को सेव करेगा। ठीक है, आपकी बिजली कम खर्चा होगी, आपका सिस्टम कम हीट करेगा क्योंकि पावर जो है सीपीयू उतना वर्क नहीं करेगा, जब नीड होगी सिर्फ तभी वर्क करेगा। वहीं पे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, जो वीडियोग्राफिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपका सीपीयू बहुत मेहनत करता है, तो वहाँ पे वो ये 4.5 तक जाएगा ताकि आपको एक अच्छा इनपुट दे सके, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। वहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 12th जनरेशन वाले से तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेस क्लॉक 1.5 GHz की, इसका मतलब है कि 1.5 GHz तक ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा।
हाँ इसका मतलब है अगर आप इससे कंपेयर करोगे 13 वाले से तो ये थोड़ा ये बिजली बचाएगा आपकी, ये फिर उतना बिजली नहीं बचाएगा इतना बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1.5 तक ही जा रहा है, और ज़्यादा नीचे जाता तो अच्छा रहता, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जो इसकी टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 4.4 की है। हाँ, तो ये सिर्फ 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ही बूस्ट हो सकता है कंपेयर टू 13 जनरेशन। तो यहाँ पे जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको इसमें मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम डिफरेंस दिखेगा, उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, 0.1% से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो उतना डिफरेंस नहीं आने वाला। 12th जनरेशन ही बेटर परफॉर्म करेगा ओवरऑल, भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि इसमें कोर्स ज़्यादा है, फिजिकल कोर्स ज़्यादा है इस वजह से। अब बाकी की बात करें जो कि एफिशिएंट कोर है, ठीक है, अब एफिशिएंट कोर मैंने बोला था कि दोनों का जो एफिशिएंट कोर है वो अलग है, उसमें एफिशिएंट कोर आपको 4 ही देखने को मिलता है 13 जनरेशन वाले में, जबकि इस वाले में जो है 12th जनरेशन वाले में आपको 8 एफिशिएंट कोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों की क्लॉक स्पीड सेम ही है, मतलब कि 0.9 गीगाहर्ट्ज़ जो बेस स्पीड होगी 13 जनरेशन वाले की होगी एफिशिएंट कोर की क्लॉक स्पीड, एंड मैक्सिमम जो बूस्ट क्लॉक स्पीड होगी 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की, एंड सेम इसकी भी यही सेम होने वाली है। तो मतलब क्लॉक स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको फिजिकल कोर 4 एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। उसमें तो परफॉर्मेंस कोर तो दोनों में देखो सेम ही है, 2 कोर उसके हैं, 2 कोर उसके हैं, ठीक है, बस ये डिफरेंस आ जाता है परफॉर्मेंस कोर की स्पीड में, डिफरेंस आ जाता है कि जो 13th जनरेशन वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है और ऑप्टिमाइज्ड भी है, जबकि 12th जनरेशन वाला उतना नहीं है, लेकिन ठीक है उतना डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब ग्राफिक्स की बात करता हूँ तो ध्यान से सुनना, ग्राफिक्स कौन सा ग्राफिक है, देखो दोनों में इंटेल का आपको आयरिक्स SE ग्राफिक्स देखने को मिलता है, ठीक है, दोनों में जो ग्राफिक्स है वो सेम ही होने वाला है, अल्ट्रा HD ग्राफिक्स दोनों में मिलेगा, बट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अब देखो जैसे फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर में आपने देखी थी वैसे ही ग्राफिक की भी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 0.35 गीगाहर्ट्ज़ की 13 जनरेशन में, बेस फ्रीक्वेंसी की बात करो, वहीं पे जो बेस फ्रीक्वेंसी 12th जनरेशन में होगी वो होगी 0.3 गीगाहर्ट्ज़ की, और टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ ग्राफिक्स के तो वो 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की आपको देखने को मिलेगी 13 जनरेशन में, एंड वहीं पे 1.1 गीगाहर्ट्ज़ को देखने की मिलेगी आपको 12th जनरेशन में। तो मतलब ग्राफिक्स इसका ज़्यादा बेटर है, मतलब जो 13th जनरेशन प्रोसेसर है उसमें आपको ग्राफिक्स अच्छा देखने को मिलेगा 12th जनरेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी मैं आपको स्कोर भी बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं फैब्रिकेशन की बात करूं तो जो फैब्रिकेशन है दोनों का 10 नैनोमीटर है, ठीक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं दिया हुआ। मैक्सिमम जो है दोनों में GPU जो है वो 32 GB का लग सकता है दोनों में, ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस था। अब थोड़ा हार्डवेयर की बात करते हैं तो जो भी हार्डवेयर है वो दोनों का मतलब सेम ही है, बिल्कुल एकदम सेम है, जो भी चीज है मैं देखो लिख दे रहा हूँ कौन को बताए, बिल्कुल सेम है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है हार्डवेयर में। और अगर मैं रैम सपोर्ट की बात करूं तो दोनों में एक ही तरह की रैम सपोर्ट होती है, तो जो भी है मैं इसमें सामने डाल दे रहा हूं, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। दोनों में मैक्सिमम LPDDR5 5200 MHz तक की रैम सपोर्ट करता है, तो जो भी है मैंने दे दिया इसमें लिख दिया है, ठीक है, 64 GB मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी जो जिस चीज से। अब अगर मैं कैच मेमोरी की बात करूं, देखो जो कैच मेमोरी होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता दूं, देखो कैच मेमोरी जो है वो रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो सबसे स्लो होती है, फिर उससे फास्ट होती है आपकी रैम, एंड फिर उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है आपकी कैच मेमोरी। तो रैम तो आप अलग से लगवाते हो, लेकिन जो कैच मेमोरी होती है वो प्रोसेसर के अंदर ही आती है। तो कैच के 3 लेवल्स होते हैं, L1, L2 एंड L3, ठीक है। अब कैच जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका फास्ट सिस्टम होगा, मतलब रैम से भी ज़्यादा फास्ट तो जो कैच होता है, ठीक है। अब अगर क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको ट्रांसफर करते हो, डेटा ट्रांसफर करते हो, कुछ भी चीज़ आपके प्रोग्राम लोड हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ पहले कैच में होगा, जो भी प्रोग्राम्स आपके लोड हो रहे हैं वो सारी चीज़ें का स्टार्ट जो है, वो चीज़ों का स्टार्ट उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो कैच से ही होता है। जब वो चीज़ कैच में नहीं मिलती है तब CPU आपके पास जो है, जो आपका CPU है वो जाता है रैम के पास। अब रैम में नहीं मिलता तो जाता है वो हार्ड डिस्क के पास। तो मेन आपका कैच है, कैच जितना ज़्यादा होगा उतना आपका सिस्टम फास्ट होगा। और जो सबसे फास्ट होता है, जो सबसे छोटा कैच होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना छोटा कैच होगा उतना फास्ट आपका सिस्टम होगा। जो L1 कैच होता है वो सबसे छोटा होता है एंड वही सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो आपका L1 कैच जितना ज़्यादा है आपका सिस्टम उतना फास्ट होगा, L2 उससे बड़ा होता है एंड L3 उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं कैच के, L1, L2, L3। तो मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कैच समझ में आ गया होगा, L1, L2, L3 कैच क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो i3 का 13th जनरेशन वाला प्रोसेसर है 13-15U, उसमें आपको जो L1 कैच मिलती है
वो देखने को मिलेगी 544 KB की, एंड L2 कैच आपको देखने को मिलेगी 4.5 MB की, एंड L3 कैच आपको देखने को मिलेगी 10 MB की। वहीं पे अगर आप i3 का 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखते हो जिसका मॉडल नंबर है 1220P, उसके कैच की बात बताऊं तो उसमें आपको L1 कैच देखने को मिलेगी 928 KB की, एंड L2 कैच देखने को मिलेगी 6.5 MB की, एंड L3 कैच देखने को मिलेगी 12 MB की। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो, जो 12th जनरेशन वाला है वो ज़्यादा दिख रहेगा आपको 13 जनरेशन से, ठीक है, आपको 12th जनरेशन वाला ज़्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जैसे L1 कैच है, जो L1 कैच जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, सबसे छोटी है और सबसे फास्ट होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा सिर्फ KB का ही तो अंतर है, वो 900 KB है एंड ये 500 KB है। नहीं भाई, अगर 12th जनरेशन में आपको 900 KB मिल रहा है और 13 जनरेशन में आपको 500 KB मिल रहा है, तो KB का ही काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा स्पीड में, क्योंकि L1 कैच बहुत फास्ट होती है, तो KB से ही काफी आपको डिफरेंस मिल जाएगा स्पीड में। मतलब अगर वो 900 KB है तो वो बहुत फास्ट होगी 500 KB के कंपेरिजन में। इसका मतलब है जो कैच मेमोरी है 12th जनरेशन वाले की, 1220P वाले की, वो काफी फास्ट है 13 जनरेशन से, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद TDP की बात करते हैं। तो देखो TDP जो है वो 13 जनरेशन वाले में आपको 15 वॉट की मिलेगी, एंड जो 12th जनरेशन वाला होगा उसमें 28 वॉट की मिलेगी, क्योंकि जो 13th जनरेशन वाला है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें कम बिजली का यूज़ हो रहा है तो उसमें पावर रेटिंग कम है। इस वजह से जो आपका 13th जनरेशन वाला है वो कम पावर कंज्यूम करेगा प्रोसेसर, एंड वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी है और वो ज़्यादा आपके कंप्यूटर को हीट भी नहीं करेगा एज कम्पेयर टू 12th जनरेशन वाला। अब यहाँ पे मैं आपको बेंचमार्क्स दिखाता हूँ, तो आप बेंचमार्क्स देखते चले जाओ। जो Geekbench 6 है उसका स्कोर सिंगल कोर का, Geekbench 6 के सिंगल कोर का स्कोर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो i3 का 13th जनरेशन है उसमें आपका मिलेगा 2124, मतलब ये पूरा 2124 स्कोर यहाँ पे दिखाएगा, और वहीं पे i3 का 12th जनरेशन इसमें 2102 का स्कोर लाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 13th जनरेशन थोड़ा सा ज्यादा 1% का डिफरेंस है। और वहीं पे Geekbench 6 मल्टीकोर का स्कोर मैं आपको बताऊं तो i3 के 13 जनरेशन यहाँ पे आपको 6784 का स्कोर दिखाता है, और वहीं पे i3 का 12th जनरेशन सिर्फ आपको 6645 स्कोर दिखाता है। तो यहाँ पे 2% का डिफरेंस है, मतलब 2% ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे i3 का 13th जनरेशन, वो इस वजह से क्योंकि इसमें डेफिनेटली इसके गीगाहर्ट्ज थोड़े ज्यादा है, 0.5 GHz क्लॉक स्पीड ज्यादा इस वजह से, लेकिन अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा बेटर है। तो आगे चलते हैं, आगे स्कोर भी देखते हैं। तो यहाँ पे Geekbench 5 पे जब टेस्ट किया गया, Geekbench 5 भी देख लो, Geekbench 6 के स्कोर्स थे, Geekbench 5 की बात करें तो यहाँ पे सिंगल कोर के स्कोर्स मैं बताऊँ Geekbench 5 के, तो जो i3 के 13th जनरेशन वाला है उसने स्कोर किया है 1488, ठीक है, i3 के 13th जनरेशन ने 1488 स्कोर किया है। वहीं पे i3 के 12th जनरेशन वाले ने स्कोर किया है 1564, मतलब ये करीब करीब 5% ज्यादा दिखा रहा है, 5% ज्यादा 12th जनरेशन पावरफुल है Geekbench, ये कौन सा Geekbench 5 की बात हो रही है, ठीक है, Geekbench 5 अलग तरीके से मेजर करता है, 6 अलग तरीके से मेजर करता है। तो Geekbench 5 पे i3 का जो 12th जनरेशन है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो बल्कि 5% ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड Geekbench 5 के मल्टी कोर की बात करें तो i3 का 13th जनरेशन वाला जो 13-15 वाला है वो आपका परफॉर्म करता है, उसका स्कोर आता है 5659, एंड वहीं पे जो i3 का 12th जनरेशन वाला आता है उसका स्कोर आता है 6894, मतलब ये करीब करीब आपका 18% ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है मल्टी कोर पे भी, 18% आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है i3 का 12th जनरेशन वाला। तो आप खुद सोच लो कि कितना i3 का 12th जनरेशन कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको तो इसमें 4 एक्स्ट्रा कोर्स दिए हैं, फिजिकल कोर्स 4 एक्स्ट्रा, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है i3 के 12th जनरेशन में। फिर उसके बाद GPU टेस्ट किया गया, तो जहां जैसे कि मैंने पहले बताया कि GPU ज्यादा बेटर है i3 के 13th जनरेशन वाला, तो उसका ही अच्छा स्कोर आएगा, तो मैं GPU का स्कोर आपको बताता हूं। तो GPU का जो सिंगल कोर स्कोर आया है वो आया है यहां पे i3 का 13th जनरेशन वाले का आया है वो है 1240, एंड वहीं पे i3 का 12th जनरेशन वाला आया है 1091। इट मींस कि जो i3 का 13th जनरेशन वाला है वो 12% ज्यादा बेटर GPU आपको देता है एज कम्पेयर टू i3 के 12th जनरेशन वाला, मतलब 12% ज्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा GPU में 13th जनरेशन वाले में, ठीक है। GPU मेनली गेमिंग के लिए होता है, ठीक है, तो गेमिंग और ग्राफिक्स में इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगी i3 के 13th जनरेशन वाले। फिर यहाँ पे अगला पास मार्कर टेस्ट आता है, तो उसमें क्या बोलते हैं i3 का जो 13th जनरेशन है उसका स्कोर आता है 13350, एंड i3 का 12th जनरेशन वाले का स्कोर आता है 14265। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ये 6% ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है i3 के 12th जनरेशन वाले में। तो बस यही स्कोर्स थे मेरे पास, एंड Cinebench के स्कोर अभी नहीं है, अगर होंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं पे दे दूंगा अगर स्कोर्स आएंगे, बट जितने स्कोर्स थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अब इसमें कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो
ओवरऑल मैं बोलूं तो मुझे जो बेटर लग रहा है वो यही वाला i3 का 12 जनरेशन वाला ज्यादा बेटर लग रहा है 1220p वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि चार फिजिकल कोर कोई छोटी बात नहीं, चार फिजिकल कोर बहुत बेटर, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू GPU एंड वगैरह वगैरह। अगर आपको गेमिंग करनी है, स्पेसिफिकली गेमिंग करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गेमिंग लैपटॉप ले लो, या फिर गेमिंग नहीं, i3 का जो 13 जनरेशन है ये आपकी गेमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएगा, आपको गेमिंग लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगा हो। और जो i3 का 12th जनरेशन वाला प्रोसेसर है ये अच्छा खासा ग्राफिक्स दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं दे रहा, अच्छा दे रहा है, तो ये मैं इसको ज्यादा बेटर मानूंगा i3 के 13th जनरेशन से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से i3 का 12th जनरेशन 1220p बेटर है i3 के 13-15U से। अब अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये प्राइस भी आपको कम मिल रहा है, क्योंकि सेल में ये पुराना प्रोसेसर है तो सस्ता मिल जाता है ये जो ये, इसके बारे में मोबाइल स्क्रीन पर आपको अच्छे से बता दूँ। अब डिफरेंस की बात हो गई, मैं ये मान के चलो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कौन सा प्रोसेसर अच्छा है कौन सा प्रोसेसर खराब है। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, मतलब अब रियल लाइफ पे आते हैं कि अगर आप लैपटॉप मार्केट में खरीदने जाओगे तो कौन सा सस्ता मिलेगा, कैसे सस्ता खरीदोगे, कब खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, ये प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता जल्दी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल बात सुनो, फालतू बातें हो गई जो फीचर्स वगैरह थे सब हो गए, अब मेन बात सुनो जो तुम्हारे काम की है, जो तुम्हारे काम आने वाली है सच में, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ दो लैपटॉप निकाल के रखे हैं तुम्हारे लिए, देखो एक जो लैपटॉप मैंने एसस का निकाला हुआ है, ये एसस का 13 जनरेशन का सबसे सस्ता लैपटॉप है, मतलब अब फ्लिपकार्ट में इससे सस्ता कोई लैपटॉप नहीं है, 13 जनरेशन में इससे सस्ता कोई भी लैपटॉप नहीं है, i3 की बात कर रहा हूँ, i3 में 13 जनरेशन में आपको सस्ता कोई लैपटॉप नहीं मिलने वाला है। इसका पूरा नाम है एसस वीवो बुक 14 2023 एडिशन है ये, एंड ये मॉडल नंबर बाकी जो भी चीज आप देख सकते हो, तो ये सबसे सस्ता लैपटॉप है। इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो ये है करीब अभी जो है ये फ्लिपकार्ट 46,000 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, 45,990 का मिल रहा है, मतलब 46,000 रुपीज का फ्लिपकार्ट अभी करंटली मिल रहा है। एंड अब मैंने दूसरा लैपटॉप निकाला है जो कि एसस का ही है, बढ़िया दूसरा मॉडल है ये, वीवो बुक 14 मतलब पी सीरीज का ये है, तो वीवो बुक 14 पी सीरीज का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये कितने का मिल रहा है एंड ये कैसा, ये 12th जनरेशन का, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा ये i3 का 1220p प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसके पहले वाला जो मैंने दिखाया था एसस का ही दिखाया था, उसमें जो है आपको 13-15U प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका प्राइस आपने देखा था 46,000 है एंड इसका प्राइस आप देख सकते हो 48,000 है, तो अब इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है, कैसे आप कम में लोगे वो अब मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो एकदम ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं बताता है ये सब चीजें, कोई नहीं बताता, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों लैपटॉप्स मैंने आपके सामने खोल लिए, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जैसे अगर ये वाला लैपटॉप है, इसका लिंक मैं मान के चलो मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं प्राइस हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, वो आप समझने की कोशिश करो। जैसे ये 13 जनरेशन वाला जिसमें 13-15U वाला प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 46,000 का है, ठीक है, उसको मैं प्राइस हिस्ट्री में डालता हूँ एंड उसको मैं प्राइस हिस्ट्री में डाल के जब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि इसका जो लोवेस्ट प्राइस है, लोवेस्ट प्राइस एवर जो है वो कितना है, 46,000 है, मतलब ये 46,000 से नीचे आज तक कभी आया ही नहीं है, क्योंकि ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है और इसका प्राइस कभी कम नहीं हुआ आज तक, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, कंपनी अभी जानती है बिकेगा इसलिए कंपनी वालों ने इसका प्राइस ही नहीं कम किया एसस वालों ने। ये आप देख सकते हो सेम वही मॉडल है, बस इसका क्या है कि आउट ऑफ स्टॉक इसमें दिखा रहा है पता नहीं क्यों, बट लेकिन वो सेम वही चीज़ है कि इसका प्राइस कभी कम नहीं हुआ आज तक, मैंने भी देखा है कभी मेरे को तो कम नहीं दिखा 46,000 से। एंड मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ जो मैंने वो वाला लैपटॉप सिलेक्ट किया था जिसमें 1220 प्रोसेसर है, ठीक है, एसस का ही है जिसमें 1220 प्रोसेसर है 12th जनरेशन वाला, उसको अगर मैं यहाँ पे डालूँ, उसकी लिंक अगर मैं प्राइस हिस्ट्री पे डालता हूँ तो आप देखना अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो उसका प्राइस अभी यहाँ पे आ रहा है 48,000 रुपीज़, वहाँ पे भी आ रहा था यहाँ 48,000 आ रहा है, ठीक है। एंड इसकी प्राइस हिस्ट्री आप देखो कितना ग्राफ ऊपर नीचे गया, इसका लोवेस्ट प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ 2 महीने पहले, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 महीने पहले, वीडियो बन रही है, वीडियो के 2 महीने पहले अगर आप चेक किए होते तो आपको 41,000 में मिल जाता आराम से, 41,000 का इसमें बैंक ऑफर भी लग रहा था, 4,000 का डिस्काउंट मेरे सामने लग रहा था, ये 37,000 का मिल रहा था, 37,000 का मेरे सामने ये मिल रहा था, मैंने देखा था, ठीक है, 37,000 का लैपटॉप मिल रहा था जब मैं ले रहा था, तो मैंने चेक किया था 37,000 इसका प्राइस था। तो आप खुद सोचो एक वो लैपटॉप i3 का जिसमें प्रोसेसर लगा है 1220p वो 37,000 का मिल रहा है भाई, उसमें 10 कोर्स हैं, 37,000 रुपीज़ का मिल रहा है, वहीं पे वो प्रोसेसर, वो लैपटॉप जिसमें i3 का 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर लगा है 13-15U, उसका प्राइस 46,000 से नीचे कभी आया ही नहीं। तो आप खुद सोच लो आप क्या लेना चाहोगे, 46,000 वाला या फिर 37,000 का ये 1220 वाला,
तो ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो भी डील्स होगी, अब अगर जैसे अभी तो इस पर ऑफर चल रहा है, अभी ये 48,000 का मिल रहा है, ठीक है, तो अभी तो आपको कुछ बिल्कुल नहीं लेना है। कब लेना होगा वो मैं आपको खुद बताऊंगा, सेल आने से पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप वो अपडेट आपसे मिस ना हो या फिर वो सेल आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो है आप तक पहुंच जाए, जो भी सेल का अपडेट आएगा मैं पहले अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सेल आ चुकी है, तो आप लैपटॉप खरीद लो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस आज की वीडियो में इतने, मैं बोलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।